فلم يشهدوا كيتنا قرنا شاكنا في دول عاشين سربتوا بمن فاشلامي قاندو مريكشن سمنتا بيكان لاكا جوتي ماكرمينا وما كرم قرمان يدي قابيون وما سيبيشوى سيبرم شجانك
गीता जी का पाठ छठा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु प्रतिष्ठाप्य तिरुमासनमात्मना नाच्योत्सितं नातिनीतं तैराजेन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चेत्तेन्द्रियक्रिय उपवेश्यासने योज्या योगमात्मविशोद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्म विशस्तानवलोकय प्रशान्तात्मा विगतभिर्
ब्रह्मचारी प्रदेशित मनः संयम्य मात्रेषु युक्त आसीत् मात्पर योऽन्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न साति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन योक्त हरविहारस्य योक्त चेष्टस्य कर्मसु योक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चेत् मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो योक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो लङ्घते सोपमा स्मृता योगिनो यत चेत्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तोष्यति यत्रो परमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तोष्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare
अमित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्वनाम अनित्यम असुखम एवं अनित्य है इस बात से देरी नहीं करना चाहिए, सही का न जाने कब सही चला जाए। असुखम सुख है नहीं, सुख के वहम से बहुत संप्रद हो जाता है, ये सुख ले लें वो ले लें है नहीं, इसमें है तो आज दिन क्या मिला, कितना सुख मिला, कितना सुख से क्या क्या पुष्टि होगी, क्या संग्रह होगा, क्या हासिल होगा, है नहीं। एवं प्राप्त ये शरीर है, इसमें बहुत लाभ होगा, सुदुर्लभ एकदम बहु संभवान से एवं प्राप्त इस शरीर को प्राप्त करके लाभ ले लो। इस शरीर की महिमा देवताओं से बढ़ करके है, ऐसी सही गरीब की महिमा नहीं है। तो वो महिमा शरीर को लेकर के नहीं है, शरीर में तो पांच है पसी रस पावक अगर समीरा पंच रसती अधम शरीर अधम शरीर है। तो इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी ये महिमा है, वो विवेक शक्ति है उससे काम लो ठीक है, उसे ये बहुत विदुष शक्ति है, ये हरेक में नहीं है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, नाग जीवों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है, राक्षसों में असुरों में नहीं है, वृक्षों में धूप में लताओं में घास में जलस्रों में आकाश मुद्दों में भूत नहीं है। ऐसी वृक्ष शक्ति इसमें एक विवेक शक्ति है, इसको प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरी एक बात मन में आती है दो तीन दिन से कि उन बात को अपने अनुभव करें, जैसे दो दिन से मैंने कहा भाई कुछ भी न करे चुप हो जाए शांत, ऐसे करके देखे, मन में कई बार करके देखे तो ऐसे आपने किया होगा उसमें अड़चन आ गए वो पूछे, और ये अगर शुरू कर दे आप तो बहुत विशेष लाभ की बात है। सुनने की बातें बहुत है, सीखने की बहुत, सिखाने की सुनाने की बहुत बातें है, परंतु अपना जीवन है वो कैसे सुधरे, जीवन खुद में अपने परिवर्तन आना चाहिए ना, जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है ये संसार है, तो अनुकूलता का भी असर पड़ जाता है, प्रतिकूलता का भी असर पड़ जाता है, हमारे पर असर होता है, तो असर हो जाने से हम अपनी स्थिति में ठीक नहीं रह सकते। यंग है ना व्यथयंत पुरुषम पुरुषम, जिसको ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचा सकती, राजी हो गए तो आप व्यसित हो गए, नाराज हो गए तो व्यसित हो गए, अपनी स्थिति पर ठीक नहीं रहे वो व्यथा हो गई। तो वो व्यथा जब तक होती रहे तब तक मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। तो ये शक्ति आती है, ये जो मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ी देर स्थिर होकर देखें, कुछ भी चिंतन न करें। छठाध्याय के 25वें श्लोक में आत्म संस्तो मना कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत, एक परमात्मा परिपूर्ण है। आस्तिक लोग सब मानते हैं वो सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सब जगह वो है, एक परमात्मा परिपूर्ण। तो परमात्मा है,
ऐसे सब जगह ऊपर नीचे बाहर भीतर नीचे सब परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान करके और चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। ऐसी अवस्था में ये आग्रह नहीं कि वो चिंतन नहीं करना है, ये भी आग्रह नहीं चाहिए, चिंतन करना है ये भी आग्रह नहीं चाहिए, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं रखना है। स्वतः स्वाभाविक एक स्थिर करना, स्थिर होना है एक स्वतः स्वाभाविक, तो स्वभाव अवस्था है उसकी महिमा है। स्थिर होना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। तत्व की बात बताई कि नहीं तत्से कृते नार्थ न कृते नहीं है कष्ट न, करने से कोई प्रयोजन नहीं है तो न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो न करने का भी आग्रह नहीं, करने का भी आग्रह नहीं, स्वतः शांति। जैसे नींद आती है ना, तो नींद हम लेते हैं तो नींद लेने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता है। परिश्रम दिन में होता है इधर, वो बात एक अलग है, परंतु नींद के लिए कोई तैयारी करे, उसके लिए कोई उद्योग करे, कोई पुरुषार्थ करने से बात नहीं है, सामान्य स्वतः हो जाए तो नींद आ जाती है। जैसे नींद स्वाभाविक है ऐसे स्वाभाविक कुछ नहीं करना एक तत्व है। नहीं करने का आग्रह रखना है ना, वो तो उद्योग है, वो परिश्रम है, करना परिश्रम है, ऐसे न करना भी एक परिश्रम है, उसे तत्व नहीं मिलता है। तत्व न करना करना दोनों के से विलक्षण है। नहीं वो तसे कृत्य न अर्थ न अकृत्य न, उसका प्रयोजन न करने से प्रयोजन है न करने से प्रयोजन है, नहीं किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है, तो वो एक चीज है प्राप्त करना है। तो वैसे वो चीज समझ में आ गई होगा, नहीं तो खूब खूब समझ लें। चुप चुप स्वाभाविक चुपी, चुप का आग्रह नहीं चाहिए, नहीं करने का आग्रह नहीं, स्वतः स्वाभाविक। जैसे श्वास चलता है तो आप साफ चलता है श्वास, जैसे आप खोलते हैं मिचते हैं आप साफ होता है, जैसे स्वाभाविक होता है स्वतः, ऐसे स्वतः जो कुछ भी नहीं करना है वो स्वतः वो होना चाहिए, उद्योग पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक क्रिया पूर्वक वो नहीं, स्वतः साथ। ऐसा होने पर मन में उथल पुथल होगी, मन कई बातें आवेगी, तरह तरह की बातें आवेगी, तो वो क्या है कि तंत्र जो पहले किया है, किए हुए का संस्कार है, उन संस्कारों अनुसार वो चीजें पैदा होगी, तो उस वो जो हलचल पैदा हो, तरह तरह की स्मृति हो, याद आवे, उसकी भी परवाह नहीं करे, उपेक्षा उदासीन, उस उदासीन रहे अपना, कोई आग्रह नहीं होगा, आग्रह न रख करके और अपना नहीं है वो, तो उसको हलचल को अपने में नहीं माने, अपने खुद में नहीं है वो, अपने में क्रिया नहीं है, करना न करना दोनों अपने में नहीं है, मन बुद्धि में है, उस मन बुद्धि में मन में वो संकल्प होते हैं तो होते रहे, उसका आग्रह न रहे, न करने का आग्रह न करने का आग्रह, आग्रह नहीं, और वो जो हो वो अपने में न माने, और ये मिट जाए ये भी आग्रह न रखे, और ये बढ़ा रहे इसमें भी आग्रह नहीं, उसमें नाराजी और नाराजी दोनों न हुए, राजी और नाराजी ये बंधन है, खास खास बांधने की चीज है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न बस बागत है तो ये परिपंथ न हो,
प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, तो संकल्प विकल्प है, मन में कोई बात याद आवे तो उसमें राग और द्वेष होगा। अच्छा मन मानोगे अथवा बुरा मानोगे, तो अच्छा और बुरा मानना यही बंधन है। अच्छा मानना भी बंधन है, बुरा मानना भी बंधन है। असल क्या है वो? बस है नहीं कुछ भी। अच्छा क्या है इसके? अरे क्या बुरा है? न अच्छा है न बुरा है, है प्रवाह है, चल रहा है। ये दोनों शत्रु है इसे, तो इसे परिपंथ न हो। अच्छा बुरा भी न समझे, तटस्थ रहे। मन को लगाने में बहुत युक्तियां हैं और मैंने बहुत सी बातें पढ़ी भी है इस विषय में। मैंने देखी है, पुस्तकों पढ़ी है, लेख अलग अलग पढ़े हैं, कौन क्या कहता है, किसने संबंध लगाना चाहिए कैसे, तो इन बातों को बस करके जो मैं सीखी है, मेरे को अच्छी लगी है, वो बात आपको कहता हूँ। खेल अभ्यास करने के बाद में जो कुछ बात हाथ लगी है, वो कहता हूँ कि आप आग्रह मत रखो। मन लगाना है ये भी नहीं, नहीं लगाना है ये भी नहीं। मन को स्थिर करना है ये आग्रह नहीं, और मन को चंचल करना है चंचल करना ये भी आग्रह नहीं। शांति तो जो संकल्प हो उसमें न राग करे न द्वेष करे, शांत। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। ये अभी हमें अभी कुछ नहीं करना है। ये मैंने बात कही थी तो उसका उपयोग खराब हुआ। मेरे को तो कोई कहता है तो पता लग गया, मेरा लक्ष्य नहीं जाता इतना, मैं समझता ही नहीं कि इतना दुरुपयोग हो जाएगा। मेरे से आकर किसने कहा, किसने कहा वो भी याद नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। भाई मैंने ये करना नहीं है ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि जैसे नित्य नेम के लिए बैठे हैं, अब भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा मन लगाते हैं, तो इस समय में कोई काम आवे तो भी अभी नहीं, अभी नहीं। अगर काम जाना है वकील से मिलना है, वैद्य से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये बात आवे ना, तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आध घंटा घंटा जितने देर है तो अभी नहीं, ये पीछे करेंगे। ये मैंने कहा था, अब करना करना ही करना ही नहीं है, और सब कुछ करना है, परंतु अभी वर्तमान में अभी नहीं, ये सोचे अभी नहीं, अभी काम नहीं है, अभी नित्य करेंगे, भजन पाठ सब करेंगे, अभी अभी नहीं, ऐसे नहीं तो वो बात आती रहेगी, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, क्या अभी नहीं, आधी घंटा घंटा जो बैठे है अभी नहीं, अभी तो केवल परमात्मा मन लगाना, अभी तो बस इतना ही। ऐसे हो जाए शांत हो जाए, अब कुछ आवे न आवे मन में पर वही मत करो, उसकी उदासीन उदासीन गुणे जीवन विचार उदासीन वासीन उदासीन तभी बैठा रहे। तो ये बात कुछ हाथ लगी है कि नहीं, किसी आई हो तो बताओ, बाधा आई तो पूछो, पूछो बात। थोड़ा दिन रहा है भी सत्संग करने का, अब हम तो चल जाएंगे, आप लोग फिर कब दर्शन होंगे भगवान जाने, पता है नहीं, कुछ भरोसा नहीं। तो ये बात एक ले लें, एक चीज हासिल कर लें तो बढ़िया चीज है। जैसे धन कमा लेता है तो मनुष्य हाथ लग जाता है, इतना धन हाथ लग गया, इस तरह से सत्संग के द्वारा ये एक चीज ले लें तो बहुत बड़े लाभ की बात है। मन लगाना इतनी दामी नहीं है, एक चीज में मन लगा देना बड़ा कठिन मन लेता है, और लाभ उतना नहीं है जितना इसमें लाभ है।
मन लगाने से ऊंची बात है ये, शंका उस बोलो आप। प्रसंग में बोलिए, आप इस प्रसंग में बोलिए। इसी प्रसंग और बात और बिल्कुल मत छोड़ो, और बिल्कुल मत छोड़ो, ये एक ही बात ठीक निर्णय हो जाए इस पर विचार रखो, और कुछ मत छोड़ो। कहते हैं कुछ नहीं चिंतन करने में, ईश्वर चिंतन तो जारी रहे। ईश्वर चिंतन करो, मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर चिंतन करो, मैं ईश्वर चिंतन नहीं कहता हूँ, आप ईश्वर चिंतन करो, करो जब करो, कीर्तन करो, मजा भी करो, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं करना, न ईश्वर का करना है, न संसार का करना है, न कुटुंब का करना है, न रुपयों का करना है, किसी का कुछ भी चिंतन करना ही नहीं है। मैं देखो कह चुका हूँ कि मैंने इस विषय में कुछ किया है, अभ्यास किया है, पुस्तकें पढ़ी है, उनके अनुसार चेष्टा की है, वो करने से मेरे को जो सार चीज मिली है वो मैं कहता हूँ। आप इसे चिंतन करो, मैं विरोधी नहीं हूँ, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मैं अभी मैं कह रहा हूँ उसमें तो कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी की चिंता न करे, न ईश्वर का करे, न संसार का करे, न जड़ का करे, न चेतन का करे, न आत्मा का करे, न अनात्मा का करे, न प्रकृति का करे, न ब्रह्म का करे, कुछ भी चिंता न करे। बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत ही उत्तम है, कुछ चिंता न करे। जो अब चिंतन होता है उस होने में तीन बात मैंने कही है, एक तो अपने में होता है, मेरे होता है, ये न माने, अपने में नहीं होता है, ये मन बुद्धि में होता है, ये अपने में है चिंतन, ये न माने। एक तो एक वो चिंतन है जिसमें राजी न हुए, एक नाराज न हुए, मनो अच्छा हुआ ये मंदा हुआ ये भी ना करें, अपना है ही नहीं, क्या सर क्या मंदा, अपना है ही नहीं, अपने कोई संबंध ही नहीं है, कितनी बात मेरा विश्वास बेशक कर रहे, मैं धोखा नहीं देता हूँ, साफ कहता हूँ, बहुत बड़े लाभ की बात है, ये मामूली लाभ की बात नहीं है, बहुत बड़े लाभ की बात है। एक बात कहता हूं कि संसार है ये हरदम बदलता है, ये बात आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, इसमें शंका नहीं है ना, हरदम बदलता है संसार, सच्ची बात है, शरीर है, संसार है, सब बदलता है, केवल बदलने ही बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ निरंतर बदलने में भी हम राग कर लेते हैं, अच्छा और मंदा कर लेते हैं, तो हम बंध जाते हैं, प्रश्न है नहीं, उसके साथ ही संबंध जोड़ने से हम बंध जाते हैं, मन वो संबंध सिद्ध हो जाता है, पाप और पुण्य बन जाते हैं, और अनेक जन्म हो जाते हैं, नहीं होते हुए चलते हुए परिवर्तन में भी मन लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे जन्म मरण हो जाता है। अब इसके साथ न होते हुए साथ में संबंध जोड़ ले तो हमारे जन्म मरण होता है। एक तत्व परिपूर्ण है सब जगह मौजूद, सब जितने दार्शनिक है सब मानते हैं कि एक तत्व है, मैं कहूँ वो तत्व ऐसे मानकर आप चुप हो जावे, उसमें स्थित होने से स्थिति नहीं होगी, और न स्थिति है न गति है, कुछ भी नहीं कर चुप हो जाए तो उसमें स्थिति होगी आपकी। नाशवान में भी जोड़ने से जन्म मन होते हैं, कई कर्म बढ़ जाए, अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है, उसके साथ आपका संबंध होगा तो कितनी ऊंची होगी जगह, लेकिन वो ठिकाना नहीं है,
जिसका कोई पार नहीं है, ऐसी असीम तत्व है वो, ऐसे असीम तत्व की बात हो। वो तत्व आप पकड़ में आ जाए आपके, ये मैं चाहता हूं। नहीं होता हुआ भी संसार में मन लगने से बंधन हो गया, जो नित्य निरंतर सदा है, जो का क्यों मौजूद है, उसमें आपकी खुद की स्थिति हो जाए तो कितना लाभ होगा। वो स्थिति करने से स्थिति नहीं होगी, ना चिंतन होगी, ना स्थिति करने से होगी, ना रुकने से होगी, नहीं होगी। योग स्थिति वृत्ति निरोध योग दर्शन छह दर्शनों में एक योग दर्शन है, पांच दर्शनों से छठा दर्शन है, उसमें चित्त वृत्ति के निरोध की बात बताई। चित्त की वृत्ति निरोधी, निरोध हो जाने से तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम याता है, अथा तो योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम एति स्वरूप है दर्शन का आरंभ का ही। तो दृष्टा में स्वरूप में स्थिति होती है कब, के चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर। फल में गीता ने वो बात बताई है जो निरोध होने पर जो स्थिति होती है, वो स्थिति सीधी बताई है गीता ने। गीता का योग पातंजलि योग दर्शन से बहुत विलक्षण है। आप शंका तो कोई पूछने का विषण कर मैं बता दूंगा, बहुत विलक्षण योग है। उस योग की बात आपको मैंने कही है, निद्रा आ जाती है। वो कल बात कही थी मैंने, निद्रा आ जाए तो उस समय में इस अभ्यास को न करें, उस समय में नाम जप करो, कीर्तन करो और खड़े होकर थोड़ा टहल लो। अगर इसी साधन को करना हो तो थोड़ा खड़ा हो करके नाम सब करते हुए घूम लो, दो चार मिनट चक्कर लगा फिर बैठ जाओ, तो समझ में नहीं आवेगी। ऐसा ठहरने से चित्त की वृत्तियां बहुत शांत होती है। वो परम तत्व जिसकी आप बात कह रहे हैं, अपना आपा एक ही बात है, परम तत्व अपना आपा एक ही है, अपने आपे का अपनी बुद्धि और मन से भिन्न अनुभव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बात बनेगी कैसे। अच्छा, वो अलग कैसे होगा, क्या उपाय है? उपाय ये है कि पहले तो योग के मार्ग से साक्षात्कार घटे। तो आप पहले योग कीजिए, मेरी बात पहले मत कीजिए, पहले योग का अभ्यास करो। तो मेरा प्रश्न अब ये हुआ बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठोस बात है, पक्की एकदम। आपके करना होगा आप वो करके कीजिए, आप पहले मत कीजिए। मैं धोखा नहीं देता हूँ आपको, विश्वासघात नहीं करता हूँ। अब बैठिए, मैंने पैसे नहीं होगी वो मैं सिखाऊ नहीं, पहले वाली बात सिखा दू, रीता ले जाओ दोनों से, वो तो करते नहीं, वो होता नहीं। जयराम जी जी, ये धोखा नहीं दे रहा हूँ मैं इन बातों को जानता हूँ। अभिमान की बात है आप कही है, मैंने इन बातों को पढ़ा है, सुना है, समझा है और जानकर मेरी दृष्टि में जानकर उसे पूछा है, प्रश्नोत्तर किए है, इसमें मैंने किया इस वास्ते। ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसे करने से, ऐसा नहीं है, सीधा ही हो जाता है। मेरी एक धुन है, आप कृपा करके सुने, मैं अभिमान की नहीं कहता हूँ, पर अभिमान की बात है। मैं अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ, आप लोगों से क्षमा मांग करके नम्रता से कहता हूँ कि ये बातें जितनी होने से होता है ठीक बात है, परंतु मेरे एक धुन है क्या कि जल्दी से जल्दी और हरे का कल्याण कैसे हो, ये मेरे धुन है। स्वतः
आप लोगों ने संत महात्माओं के कहने से उनके उपदेश से मेरी एक गति हुई है। मैंने ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में व्याख्यान में के 4-5 वर्ष हो गया हुआ। कितना वर्ष हुआ भैया गृह में? मैंने ये बात कही थी कि ये शरीर अगर मेरा रहा 4-5 वर्ष रहा, 5-7 वर्ष रह गया तो मैं परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। ऐसे मैंने सभा में कह दी बात कि तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए तो ये 5-7 वर्ष रह गया तो मैं बहुत सुगम बता दूंगा। अब भी मेरी वही धुन है, ये कैसे हरेक को तत्व की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी सुगम से सुगम कैसे प्राप्ति हो, ऐसी एक मेरी धुन रची हो गई है। पुस्तकों में देखता हूँ, संतों से पूछता हूँ, प्रश्नोत्तर करता हूँ, जहाँ मेरा रब है वहाँ विचार करता हूँ, इसका स्वयं भी सोचता हूँ। इस वजह से मैंने कह दिया कि 5-7 वर्ष सही रह गया तो मैं बहुत सुगमता से बता दूंगा, तो वो मेरी धुन चल रही है अभी। तो मैं ये नहीं बताऊं, आपने कहा उनसे पहले कैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा तो आप कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, मैं किसी के मत का खंडन नहीं करता हूं। मेरी दृष्टि से वो बात बताता हूं जो सीधे ही ठेठ पहुंच जाए आप, जैसे सीढ़ियों से तो पहुंचता ही है, परंतु विहंगम मार्ग है शास्त्र में। विहंगम मार्ग आकाश का मार्ग, तो आकाश मार्ग में जो पक्षी का मार्ग है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वहां कबीर साहब वाणी में एक बात आती है कि रस्ते रस्ते दूर है, दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु उपराड़े नेड़ी। मारवाड़ी समझे उपराड़े, मानो अच्छा भी से आदि अब इस समय वे घर में जब कितने लगे उपराड़ियों के लड़ी पड़े एकदम बिल्कुल एक दीवाली है भी इसमें ऊपर दिया लिया उसे सेट हो गया। अब यहाँ से जावे कितना इस मकान से निकलेंगे फिर कितनी गली में होकर जाएंगे फिर वहां पहुंचेंगे, ऐसे रस्ते रस्ते दूर बहुत पड़ेगा, ऐसे बिना रस्ते जा सकते नहीं। उसमें पेड़ा पेड़ी ऊंचा नहीं है चूट है नीचे ऊंचा है, रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई सो तो ऊपर रे नेड़ी। बहुत नजदीक पड़ता है जो तो मेरी धुन है वो कि ऊपर मैं जल्दी से जल्दी उस तत्व को प्राप्त कर रहे। हर एक आदमी पापी से पापी, दुराशा से दुराशा, मूर्ख से मूर्ख, अपट से अपट, केवल चाहना इसकी हो कि वह तत्व में जानना चाहता हूँ। ये एक योग्यता मैं मानता हूँ और जरूरत नहीं है, ये जितनी जोरदार होगी जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो सुन लो बड़ा पहले नहीं होगा। ये तो आप लोग ही करें, महाराज जी की बात बता दी। क्या कहे? ये कहते हैं कि आपके सानिध्य में हम लोग यह अभ्यास करें, आपके सानिध्य में हम लोग इस चीज का अभ्यास करें। मेरे सन्नति मेरे से पूछो, पूछन में मेरे तो इतना उत्साह है कि अत्युक्ति नहीं करता हूँ, परंतु अत्युक्ति जो ही है, रात में पूछ लो, दिन में पूछ लो, सुबह पूछ लो, शाम को पूछ लो, भोजन करता हूँ तो भोजन करने में देरी लगेगी, नित्यनेम करता हूँ उसमें देरी लगेगी, उसके बाद पट पूछ लो, कभी पूछ लो। आज से 50-55 वर्ष पहले की बात है, 50-60 वर्ष की, उससे मैंने कहा कि आपको पूछना हो तो नींद में जगह पूछ लो, नींद आई हुई है उस जगह कर मेरे पूछ लो, मेरे बाधा नहीं आती। अरे एक संत से पूछा करते थे, वो रात्रि में आ जाते एकदम, मैंने स्वामी जी मेरे 2 साल मेरी बात पूछी, वहां पूछो ऐसे काम पड़ा है, वो एक ही आए और कोई ज्यादा आया नहीं। मैंने 50-60 वर्ष पहले कह दी थी कि मेरे को नींद उठा लो, मेरी एक बड़ी भगवानी कृपा समझो, आदत समझो, प्रकृति समझो, ऐसी है, आपने पूछ लिया, आप पूछ गए फिर सो गए, नींद आई पट इन्हें भी नहीं सुन गई, अब नींद नहीं आती, नींद आई ये नहीं होते मेरे चटा गई नींद सो गई, नींद आई जब चाहो जब नींद ले लो।
क्या कहे समझे नहीं ऋतु जी का नशा सा आता है नशा तो कोई हर्ज नहीं है क्या आता नशा वो ऐसी बात हो ज्यादा आपको तो आप दो तीन जना मिल करके पूछ लो एक समय कर लो पास में आकर पूछो में कई बातें ऐसे विचार हो तो एक समय करो उस समय में पूछो परंतु फालतू बातें मत करो हरेक प्रश्न पूछो हरेक पूछा वो न मत करो एक ही बात अभी कहता हूं मैं कुछ भी चिंतन न करें इस एक बात को आप पकड़ लो बहुत लाभ होगा मेरी समझ में बहुत लाभ की बात कितनी देर में करना चाहिए कितनी देर तक मैं कहूँ जितनी देर हो सके 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर लो दिन में हाथ पकड़ो जितना आप कर सको 2-4-5 मिनट के बाद फिर कर लिया 5-10 मिनट का फिर कर लिया 1 मिनट के बाद कर लिया नारायण 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 बैठना कैसे होता है ना बैठने की जरूरत नहीं कभी करो भोजन करते कर लो चलते फिरते कर लो बात करते कर लो काम धंधा करते करते दुकान पर बैठे हो 5 मिनट 5-10 सेकंड करके देखो आप इस अटकल को पकड़ लिया कि नहीं इसे मेरे को पता नहीं है अगर पकड़ लिया करके देखो बहुत नारायण 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 श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज 27 अगस्त 1991 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर।